स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ नेटवर्किंग एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग कि हमको ज़रूरत क्यों होती है नेटवर्किंग कराने की। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर कि हम कितनी दूरी का एरिया कवर कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, जैसे एक बिल्डिंग या कैसे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसको कई पार्ट्स में बांटते हैं। इनमें से सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया, जैसे अब मान लो मेरा अपना घर या मेरा अपना ऑफिस, उसमें मैं जो नेटवर्क, मान लो हम अपने घर पर वाईफाई लगवा लेते हैं और उस वाईफाई का यूज़ कौन करता है, मैं या मेरे घर के मेम्बर्स ही यूज़ करेंगे, तो वो जो एरिया नेटवर्क हो गया उसमें अब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। जैसे वाईफाई कनेक्शन है, मेरे घर में मेरा मोबाइल, मेरे बच्चों का मोबाइल, मेरे हस्बैंड का मोबाइल, सब उसी से रन होंगे। मेरा जो लैपटॉप है वह उसमें भी वही इंटरनेट कनेक्शन यूज़ होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, अब नेटवर्किंग तो हुई ना, तो मगर ये इसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हमारे हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स को हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल से कनेक्ट तो हुआ, कौन सी दूसरी डिवाइस कनेक्ट हुई, हेडफोन कनेक्ट हुए, तो ये भी तो नेटवर्किंग है। ये किसके थ्रू हुई, ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये कहलाता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इसमें हमारे कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हो गई, जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, MP3 प्लेयर्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये कॉमनली ट्रांसफ़र करने के लिए, पिक्चर्स ट्रांसफ़र करनी है, सॉन्ग्स ट्रांसफ़र करने हैं, स्मॉल डाटा फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, इनके लिए हम इनमें इन डिवाइसेस के बीच में इनको यूज़ करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट आता है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन अ रूम, एक रूम को कनेक्ट करता है, एक रूम में, एक बिल्डिंग में या कुछ फ्यू किलोमीटर्स का एरिया। अब जैसे आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक सर्वर है, आप फोटो को देखिए, एक सर्वर है, बाकी सारी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो रखी है, लेकिन सर्वर कितना है, एक ही। आप लोगों को अपने लैब का एग्जांपल देखिए, आप लोगों के स्कूल में लैब होती है, उसमें एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मींस CPU। मॉनिटर्स बहुत सारे रखे होते हैं लैब में, लेकिन आपका एक CPU होता है, जो एक ही CPU से आपके सारे कंप्यूटर्स रन कर रहे होते हैं, होता है ऐसा। तो इससे क्या हो रहा है, हमको 10 कंप्यूटर्स में CPU खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, एक ही CPU से हमारा काम चल गया। लोकल एरिया नेटवर्किंग कराने को हमको ये फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से हम सारे नेटवर्क्स एक ही रूम में, जैसे मान लो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है हमारी स्कूल लैब का, स्कूल लैब में लोकल एरिया नेटवर्किंग होती है जो कि एक ही रूम में चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक है, मान लो ICICI बैंक ली, उसका एक ऑफिस है, तो उसके एक ऑफिस में 2-3 स्टोरी हैं बिल्डिंग, तो दोनों तीनों उस एक बिल्डिंग में दोनों तीनों फ्लोर्स पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके की जो कहलाती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का इस पर वर्क होता है, क्योंकि ये एक लिमिटेड एरिया में यूज़ की जाती है। ये वायर्ड नेटवर्क होता है, इसमें जब अब ये मान लो लैन हम कराएंगे, लोकल एरिया नेटवर्किंग कराएंगे, तो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं सारी डिवाइसेस आपस में, ये वायर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। इसमें हम कनेक्ट करते हैं वर्क स्टेशंस, पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है। ये जनरली हमारे स्कूल में, कॉलेज कैंपसेस में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, शॉप्स पे हम इस टाइप की नेटवर्किंग कराते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम इसमें क्या होता है, जैसे अब हमने अभी आपको एग्जांपल दिया ICICI बैंक का एक बिल्डिंग, लेकिन एक शहर के अंदर क्या केवल एक ही ब्रांच होती है बैंक की, नहीं, मान लो एक शहर है ग्वालियर शहर, उसमें कम से कम 4 से 5 ब्रांचेज होंगी, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांच है, ठीक है। लेकिन बैंक कौन सा है, ICICI, तो एक ही बैंक की 4-5 ब्रांचेज हैं। अब चारों पाँचों ब्रांचेज का बैंक मेन ICICI ही है, तो अब क्या किया, हर ब्रांच का लोकल एरिया नेटवर्क हर उसमें हो रही है, हर बिल्डिंग में। अब छोटे छोटे हर एरिया से पांच, जैसे मान लो ये आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका 5 बैंक है, 5 ब्रांचेज। अब इन पांचों ब्रांचेज में आपस में पहले तो लैन हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू इन्होंने आपस में एक एक बिल्डिंग में कनेक्शन कर लिया। अब जो मेन ब्रांच है उसमें जाके इन सारे नेटवर्क्स को, सारी बिल्डिंग्स का जो भी था लैन, इनको आपस में जोड़ दिया मैन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैन,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरे शहर के जितने भी ब्रांच थी उसकी, उन सबको उसने पहले वहाँ पे लैन था, फिर उन लैन को लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया गया मैन के थ्रू। आया आपको समझ में? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, नेटवर्क क्या है? एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स ओवर द रीजन ऑफ अ सिटी, पूरे एक सिटी में जिसमें कवर कर रहा हो, या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एरिया को कवर करता है। इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों टाइप का कनेक्शंस हम यूज़ करते हैं। अगर हम मेंस का एग्जांपल लें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, तो हमारा केबल कनेक्शन हमारे शहर पूरे एरिया को कवर करता है, शहर में पूरे में वो अपनी केबल कनेक्शन की कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ अ बैंक, मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कंपनी इन अ सिटी, ये सब हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहता है। लास्ट आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बड़े एरिया को, जो एक सिटी से भी ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, यानी कि आपका पूरे कंट्री में कवर कर रहा हो, पूरे आपके कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा हो, या पूरे वर्ल्ड को। और सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है आपका इंटरनेट, जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स इसमें आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी कैन सी यूज़ की जाती है जिससे वायर सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली वायर तो डाले नहीं जा सकते ना। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसे? सैटेलाइट्स और माइक्रोवेव्स के थ्रू। इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स, ATMs, इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे वेंस के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो अब नेक्स्ट उसमें हम फिर मिलेंगे। एक थोड़ा सा और मेरे को बताना है, एक एग्जांपल इसका वो होता है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, तीन हो गए। अब इंट्रानेट क्या होता है? जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने खुद के लिए एक नेटवर्किंग क्रिएट करती हैं कि उस कनेक्शंस को केवल उसकी कंपनी के ही डाटाबेस को उस ग्रुप ऑफ यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है और जो कि लिमिटेड ओनली टू अ ग्रुप ऑफ यूज़र्स, उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। लेकिन जब उसी कंपनी ने बाहर के कुछ लोगों को अपना वो डाटा यूज़ करने को दिया कि आप हमारा ये नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, तो अब क्या कह जाता है? ये इंट्रानेट क्या बन गया? कि कंपनी का जो ग्रुप था उसके अलावा उन्होंने बाहर के कुछ लोगों को भी वो नेटवर्क में ऐड किया, तो वो बन जाता है एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट एक पब्लिक ग्रुप होता है जिसमें कि पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो सकता है और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।